हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप का स्वागत है आपका स्टूडियो में। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो फिर से आपके लिए एक बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा मौका है। रेलवे द्वारा अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी फिर से निकाली गई है। मैं बात कर रहा हूँ ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से फिर से वैकेंसीज आउट की गई है, जो कि आपकी पोस्टिंग भुवनेश्वर में होने वाली है, उड़ीसा में। 1216 करीब यहाँ पर पोस्ट निकाला गया है, जो कि NCVT और SCVT दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, बिल्कुल आपका डायरेक्ट भर्ती होगा। बोले तो यहाँ पे आपका मेरिट बेस्ड पे सिलेक्शन होगा। मेरिट किस तरह बनता है आप सबको पता ही होगा। 10th बेसिक पे और जो आपका ITI का दोनों मार्क्स का एवरेज निकालकर एक मेरिट तैयार किया जाता है, उसी से आपका मेरिट बनता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ ऑल इंडिया के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो आइएगा, इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको ये पोस्ट मिलने वाली है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कब तक अप्लाई करने का लास्ट डेट है और आपको कैसे अप्लाई करना है, बिल्कुल प्रोसीजर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। और एक बात गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें गवर्नमेंट जॉब की इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए। तो गाइस, यहाँ पे इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से लिंक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना से रीड कर सकते हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे रिक्रूटमेंट सेल भुवनेश्वर से वैकेंसीज आउट की गई है। जैसा कि पहले आपको मैंने बताया, उड़ीसा से वैकेंसीज आउट की गई है और आपकी पोस्टिंग भी होगी तो अदर डिवीजन मिला के यहाँ पे भुवनेश्वर में ही होने वाली है। ये डेट 29/11 यानी 29 नवंबर को ही जारी कर दिया गया था, बट यहाँ से क्या नोटिफिकेशन जाके आज जाके रिलीज किया है वेबसाइट ने। यहाँ पे ओपनिंग डेट की बात करें तो स्टार्ट जो आपका फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे 29 नवंबर को ही स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग यानी लास्ट डेट आपका यहाँ पे 28 दिसंबर तक रखा गया है, जो कि 12 बजे रात से पहले आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। अभी भी इनका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है, आप जाकर कर सकते हैं। वैसे अगर आपका ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, मैं इसका वीडियो लाने वाला हूँ, आज ही रात में लाऊंगा। कैसे अप्लाई करना है टोटली प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें, तो उसके लिए आप टेंशन मत लें। अब अगला टेबल हम देख लेते हैं, क्या अप्रेंटिस एक्ट का टेबल रहने वाला है, यहाँ पे कौन से ट्रेड के अनुसार यहाँ पे वैकेंसीज आउट की गई है टोटली कैटेगरी वाइज। अब देख सकते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे हेडक्वार्टर द्वारा यहाँ पे कोपा वाले के लिए पर्सनली यहाँ पे वैकेंसीज आउट की गई है। कोपा वाले बच्चों आप यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर है कैरेज रिपेयर वर्कशॉप जो मंचेश्वर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आउट की गई है भुवनेश्वर में। ये टोटली यहाँ पे 10 ट्रेड के अनुसार यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया। आप वैकेंसी टेबल आप यहाँ देख लीजिए, आप देख लीजिएगा कौन से ट्रेड में कितनी 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 कौन से कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है, टोटली आप यहाँ पे देख लीजिएगा अपना। अगला डिवीजन में बात करूँ तो यहाँ पे खुड़ा रोड डिवीजन से यहाँ पे वैकेंसीज आउट की गई है। यहाँ पर भी आपका टोटल 13 यहाँ पे ट्रेड से वैकेंसीज निकाला गया है। जो भी ट्रेड से आप बच्चे देख रहे हैं, इस ट्रेड को बढ़िया से देख लीजिएगा टेबल वालों के लिए। फिर आपका वाल्टेयर डिवीजन से भी 13 यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है, 13 यानी ट्रेड वाइज यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे रहने वाली है आपकी। फिर आपका यहाँ पे संबलपुर डिवीजन है, यहाँ पर भी आपका 9 ट्रेड से वैकेंसीज आउट की गई है और यहाँ पर भी एक अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे 86 पोस्ट यहाँ पे टोटली यहाँ पे जारी किया गया है। तो गाइज, ये वैकेंसी टेबल आप बढ़िया से देख लीजिएगा इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन में बात करूँ टोटली, तो सबसे पहले एज की बात करूँ तो जो आपका आधार रखा गया है वो 28 दिसंबर तक रखा गया, यानी 28 दिसंबर तक आपका 15 ईयर हो जाना चाहिए और 24 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए जनरल वालों के लिए। अदरवाइज यहाँ पे ST SC और आपका OBC वालों के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा। ST SC वालों के लिए 5 ईयर्स एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाय द वे, यहाँ पे आपको इसका ऑफिशियल जो भी कास्ट सर्टिफिकेट या फिर OBC सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा। रिजर्वेशन में भी मिलेगा एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। आप टर्म एंड कंडीशन आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं एक्स सर्विसमैन वाले और PW वालों के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th पास रखा गया है। अदरवाइज अगर आप वेल्डर ट्रेड गैस एंड इलेक्ट्रिक वाले सीट मेटल वर्कर वायरमैन एंड कारपेंटर वाले बिलोंग करते हैं तो आपको 8 पास यहाँ पे रखा गया है, प्लस ITI पास होना चाहिए NCVT या SCVT दोनों से। और इलेक्ट्रिशियन फिटर वाले जो भी अदरवाइज जो भी हैं, 10th पास आपका मिनिमम होना चाहिए, जिसमें कि 50% आपका होना चाहिए 10th में, और ITI पास आपका होना चाहिए NCVT SCVT दोनों में। सिलेक्शन आपका मैंने पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे आपका बिल्कुल मेरिट बेस्ड पे सिलेक्शन होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, ना ही आपका यहाँ पे रिटेन होने वाला है, ना ही एग्जाम का यहाँ पे जो है इंटरव्यू होगा। बिल्कुल यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं, इसको 50% किस तरह वेटेज तैयार किया जाएगा, किस तरह यहाँ पे मेरिट बनता है, टोटली यहाँ पर आपका बताया गया, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका जब आप
अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और इसका कुछ फ़ी भी है पेमेंट करने के लिए, जो कि 100 रुपये आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा जनरल और ओबीसी वालों और ईडब्ल्यूएस वालों कोटा वालों के लिए, ये ओनली मेल कैटेगरी के लिए। अदरवाइज फीमेल कैटेगरी एंड एससी एसटी वालों के लिए कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। इनका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना, वहीं से आपका ऑनलाइन आवेदन भी होगा और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आपका डेबिट, इंटरनेट बैंकिंग, कोई भी अदरवाइज जो इंटरनेट से आपको ऑनलाइन कर पेमेंट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेमेंट फ़ी के बारे में बताया गया, आपको 100 रुपया पेमेंट फ़ी करना है, जो कि एस टी एस सी वालों के लिए पेमेंट यहाँ पे माफ़ कर दिया जा चुका है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। एंड वोमेन कैटेगरी वालों के लिए भी यहाँ पे फ़ी माफ़ है, सभी वोमेन कैटेगरी है। लास्ट डेट एप्लीकेशन आप सबको पता है 28 दिसंबर तक लास्ट डेट है। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो जनरली आपका 1 ईयर ही रहेगा, और यहाँ पर बात करें स्टाइपेंड की तो मेंशन नहीं है, बट ये एक अच्छी खासी स्टाइपेंड आपको मिलेगा, जो कि एक्ट अप्रेंटिस रूल के अनुसार 1961 के तहत यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अप्रेंटिस जो इंगेजमेंट और एग्रीमेंट होगा वहाँ पे यहाँ पे दर्जा आप देख सकते हैं, मेडिकल फिटनेस वगैरह ये फिर जनरली आप सबको पता ही है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको सबको पता ही हो चुका है। अगर अदरवाइज कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं भी डाउट है, आप राइट कमेंट कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म की चिंता मत कीजिए, मैं आज ही फॉर्म हो सके तो मैं आपको फॉर्म कैसे भरना है इसकी वीडियो मैं आपको आज ही ले आऊँगा, नहीं तो आपको सुबह अपलोड कर दूंगा कि फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। तत्काल इस फॉर्म को बढ़िया से डाउनलोड करके यार आप रीडअप कीजिए, पेशेंस रखिए, मैं फॉर्म वाली वीडियो जरूर लाऊंगा। बका के फॉर्म फिलअप नहीं कीजिएगा, कहीं कुछ गलत हो जाता है तो बहुत सारे कैंडिडेट नीचे कमेंट करते हैं, सर ये गलती हो गया, वह गलती गया, एडिट कैसे करें या फिर कुछ कैसे करें, या फिर जब रिजल्ट आती है तो सर मेरा रिजल्ट नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा। तो गाइज इस तरह का प्रॉब्लम का सामना आपको ना करना पड़े, इसलिए फॉर्म जो स्टेप का वेट करें, मैं टोटली यहाँ पे फॉर्म को इलेक्शन की वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो को, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उन तक मेरा वीडियो जरूर पहुँचा दें, क्योंकि बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।